हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने फ़ोन को वायरलेस कीबोर्ड और माउस की तरह यूज करेंगे। तो अगर आप इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा देखते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट नई वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपने फ़ोन को वायरलेस कीबोर्ड और माउस की तरह यूज करेंगे और वो भी बिना इंटरनेट कनेक्शन के। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पीसी के ब्राउज़र में आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है इंटेल रिमोट कीबोर्ड सॉफ्टवेयर। तो आपको ये ऐसे ही टाइप करना है और फिर आपको इसे सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे आप जैसे इसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे पहला लिंक आएगा उस पर आपको चले जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं www.software.com, इस लिंक पे आपको यहाँ पे चले जाना है। तो इसके बाद आप यहाँ पे इस पेज पे आएंगे और यहाँ पे आपको नीचे जाना है जहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा डाउनलोड का, जिस पर आप क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर आपको यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका कंप्यूटर जिस बिट का होगा उस पर आपको क्लिक करके अपने लिए इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। तो ये आपका डाउनलोड चालू हो जाएगा। तो मैंने ये जो है इस सॉफ्टवेयर को पहले ही डाउनलोड कर लिया और अपने कंप्यूटर में पहले ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया है। तो मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप जैसे इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर इसका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर इसका शॉर्टकट बना हुआ है। तो अब हम जो है इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे क्लिक करके इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक अपडेट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हम रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमें इसे अपडेट नहीं करना है। अब ये इंस्टॉल ये जो है आपका यहाँ पे जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन बार में आपको इसका आइकॉन दिख जाएगा। तो मतलब कि अब ये जो है आपके कंप्यूटर में रन हो चुका है, मतलब आपके कंप्यूटर में ये स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपने फ़ोन में भी एक ऐप को इंस्टॉल करना है तो जिससे कि आप अपने फ़ोन को एक वायरलेस कीबोर्ड और माउस की तरह यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन में जो है इसके ऐप को इंस्टॉल करना है। तो ये ऐप जो है आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, इसे आपको जो है डायरेक्टली ब्राउज़र से डाउनलोड करना होगा। तो ये वो ऐप है। तो इससे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जो है किसी ब्राउज़र में आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है इंटेल रिमोट कीबोर्ड APK। इसके बाद आपको इसे सर्च कर लेना है और यहाँ जो आपको सबसे पहला लिंक मिलेगा APKMirror.com का, इस पर आपको चले जाना है। फिर आपको जो है यहाँ पे नीचे इसे डाउनलोड करने का एक बटन मिल जाएगा जिस पर आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको अपने फ़ोन में जो है यहाँ पे आके इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो मेरे फ़ोन में जो है ये पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ से आप इस वजह से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। अब हम जो है अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट को ऑन करते हैं और अपने पीसी से इसे कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद आपको अपने फ़ोन पर आपका कंप्यूटर का डिवाइस शो करेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपने फ़ोन से जो कंप्यूटर पर QR कोड आएगा उसे स्कैन कर लेना है, जिसके बाद आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। अब आप अपने फ़ोन के स्क्रीन को जो है माउस की तरह और कीबोर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन को जो है इस तरह से माउस की तरह यूज कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको जो है इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको जो है यहाँ पर हॉटस्पॉट अपने फ़ोन में ऑन करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन का जो कीबोर्ड है उसे भी मैं यहाँ पे अपने पीसी पर यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप जो है
अपने फ़ोन पर जो है यहाँ पे वॉइस से भी टाइपिंग कर सकते हैं अपने पीसी पर। आप यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें कि आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन और रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। और यह आप जो है बोल कर भी अपने कंप्यूटर पर लिख सकते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में जो है अपने कंप्यूटर पर लिख सकते हैं, बस आपको जो है यहाँ पे कीबोर्ड में वो लैंग्वेज सेट कर लेना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे आप अपने फ़ोन को वायरलेस कीबोर्ड और माउस की तरह यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।